अभिलाषी बंधुओ एवं श्रद्धाशील बहन, हमारे महान पुण्यों का उदय है जो हमें जिन वाणी सुनने का और उसकी चर्चा करने का अवसर मिला है। ये हमारा महान पुण्य है। ए भव्य जीव, तो जिन वाणी सुनी नहीं पाते, ये तो हमारा प्रबल पुण्य है जो हमें जिनेन्द्र देवों की, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी की चर्चा करने का और सुनने का अवसर मिला है। बंधुओ, सारे ही शास्त्र महान है। प्रभु की वाणी का एक एक शब्द और एक एक अक्षर उसकी महानता को हम नहीं कह सकते। ये कहा गया है, तीर्थंकर वाणी के एक अक्षर के भी अनंत भाव, अनंत आशय होते हैं। छद्मस्त उनकी व्याख्या और विश्लेषण करे या करना चाहे तो पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, आंशिक रूप से ही कर सकता। फिर शायद आप सोचें, फिर तो हम वंचित ही रह जाएंगे। वंचित भी नहीं रहते, क्योंकि जो समुद्र में है वही बूंद में, बिंदु और सिंधु, सिंधु और बिंदु, ये तो बड़ा विकट मामला है। जो समुद्र में है वही बूंद में, और बूंद भर अगर हमारी समझ आ जाए हमारा कल्याण हो जाए। बंधुओ, श्री भगवती सूत्र की चर्चा कुछ प्रारंभ हुई है। इसमें गौतम स्वामी की बात की जा रही, किसी भी व्यक्ति को समझने और जानने के लिए दो बातों पर ध्यान देना होता है, उसके रूप पर
और उसके स्वरूप पर। रूप शरीर का होता है, स्वरूप आत्मा का होता है। गौतम स्वामी के दोनों ही पक्षों पर कुछ विचार करने का भाव है, प्रयास है, कर पाए तो। रूप की बात तो शरीर की है, उनका जन्म कहाँ हुआ था भाइयों? पल्ले श्राव को वो बोल लेते, बहनों आपके तो स्वाध्याय बहुत अच्छी है। हाँ जी, कल बताया भी था ना कुछ, गोबर गांव में हुआ था। वैसे एक सुझाव है, बड़ा सहज सा है, उस पर कोई आग्रह नहीं है, सुझाव सा है। अगर श्रावक श्राविकाएं जो बात उनको जचे, जिसे वो समझें, अगर थोड़ा सा नोट कर लिया जाए तो फिर कभी काम आ जाती है। अपने दोहराने में भी, चिंतन और विचार में भी। उनके पिता का नाम वो क्या था भाई, और माता का नाम? हाँ जी, ये जो है देह परिचय की बात है। उनके देह परिचय की बात कर रहे हैं। उनके देह का जन्म गोवर गांव में हुआ। उनके पिता वसुभूति थे, माता का नाम पृथ्वी था, वहां जन्मे थे। पालन पोषण ये भी कल बात हुई, बड़े हुए विद्वान बने और फिर तो उन्होंने जो उनका जातिगत और पैतृक कार्य था वह शुरू किया। उनका कार्य तो यज्ञ याग आदि था, यही होता था। जितने विद्वान ब्राह्मण होते थे, आज भी अधिकांश पठन पाठन और यज्ञ धर्म अनुष्ठान इसमें रुचि रखते हैं, यही कार्य करते। उन्होंने भी यही कार्य शुरू किया। उनके पास 500 विद्यार्थी पढ़ा करते थे, बड़ा गुरुकुल था उनका। इंद्रभूति गौतम का नाम भारत भर में चर्चित। और बंधुओं, फिर हम वहां आते हैं कि जब देव शर्मा नाम के एक धनाढ्य ब्राह्मण ने एक बड़ा यज्ञ आयोजन किया था, वह इंद्रभूति गौतम के सानिध्य में किया था। उनके सहयोगी 10 और विद्वान ब्राह्मण थे, सबके अपने अपने शिष्य थे, किसी के 500, किसी के 400, 300, इस तरह सबके विद्यार्थी थे। बड़ा आयोजन था, उसमें बहुतों को निमंत्रित किया गया था।
सबके भोजन व्यवस्थाएं थी, बड़ा कुछ था, लोगों का जब से सुना उस ओर ध्यान था, जनाकर्षण था, भाई वहां बहुत बड़ा यज्ञ है, चलेंगे, शामिल होंगे, ये सब इधर की तैयारियां थी। और बंधुओं, दूसरी ओर महाप्रभु भगवान महावीर, केवल ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है और प्रथम देशना दी तो उस समय वहां देवगण ही थे, मनुष्य नहीं था। उस देशना को यही कहते हो खाली चली गई, किसी ने त्याग पचखान ग्रहण नहीं किया। तीर्थंकर की बात कुछ ऐसी होती है, कैसी होती है, किसी व्यक्ति के पास में कटोरा है, पात्र है, और उस पात्र में उस व्यक्ति ने दूध भरना शुरू किया, दूध डाल रहा है, जितना जितना दूध डाल रहा है कटोरा उतना उतना भर रहा है। एक स्थिति आई कि जब कटोरा किनारे तक भर गया, उसे कहते हैं लबालब भर जाना, किनारों तक भर गया, और वो व्यक्ति फिर भी डाले जा रहा है, कटोरा किनारे तक भर गया और फिर डालेंगे और वो डाल रहा है, परिणाम क्या होगा भाइयों? हाँ जी, छलकेगा दूध, बाहर को बहेगा, छलकेगा, कटोरा तो भर चुका और अब और उसमें दूध डाल रहे हैं, छलकेगा ही छलकेगा। भगवान महावीर ने अथवा और किने भी तीर्थंकर भगवंतों ने जिन्होंने भी साधना की, केवल ज्ञान पाया, केवल ज्ञान हुआ, पूर्ण हो गए, ओम पूर्ण मद, पूर्णता को पा लिया, अब कोई अधूरापन नहीं रहा, पूर्ण हो गए। अब आगे आगे तो कुछ करने का नहीं, अब क्या करेंगे, अब न तो तपस्या करने की बात है, न कोई ध्यान समाधि, वो तो सब कुछ है ही, स्वतः स्वभावतः है, अपने में स्थित है, जिसे यूं कहें कि अब कुछ करना है वो तो उनके पास रहा नहीं। फिर की बात है उस कटोरे और दूध की बात, वो जो पाया है वो अनंत है, इतना है इतना है कि वो समा नहीं रहा, कटोरा छलकना, दूध छलकना शुरू हो गया, कटोरा भर गया था, अब बाहर बहना शुरू हो गया। भाइयों बहनों, मुझे बाहर छलकना है, वह तीर्थंकर की देशना है। क्या है उनकी देशना? देना यही है वो देशना, वो तो पूर्ण हो गए, वो भर गया, उन्हें तो कोई अब बात कहीं कुछ करने की रही नहीं, अब तो बाहर छलक रहा है, बाहर बह रहा है, अब तक सब भीतर में था, अब बहना शुरू हुआ, अर्थात
देशना की बात आई। अब वे उपदेश देते हैं जनता को, पर हित के लिए, पर कल्याण के लिए। और उनका ये पर कल्याण का भाव यह है कि भगवान ने वहां से श्यामा कृष्ण के उस किसान के खेत से वहां से विहार किया और विहार करके इस पावा में आए, जहां पर यज्ञ आयोजन हो रहा था वहां पर हारे। वहां एक और उद्यान था, उस भाग को मध्य पावा भी कहते हैं, उसका नाम महासेन उद्यान था। क्या नाम था? महासेन उद्यान। भगवान वहां पधारे। बातें तो कई एक हैं, पर वो व्यक्ति चर्चा और व्यक्ति स्वाध्याय में है, फिर प्रवचन में बात कुछ बड़ी सी हो जाती। देवों ने समस्वर्ण की वहां रचना की, भगवान विराजे, भावा निवासियों को पता चला अरे ये कम में से हो गया, ये क्या हुआ, ये क्या चीज है, अद्भुत, सब विलक्षण, महान, सुंदरतम, भगवान का संवत्सरण, जहां देव कार्यरत थे, खड़े हुए थे, और जिसने भी देखा तीर्थंकर।